So when you have questions from trigonometry of this sort, right? I've given you four formulas of this sort. मैंने आपको इस तरीके के चार फॉर्मूले दिए हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ, right? जिनको भी ध्यान नहीं है, they must take a note of it, and then this question is a very very easy question for all of you, right? The first thing is to understand कि हमें क्या use करना है, ठीक है? तो आओ चलो देखते हैं. Let's say तुम्हारे पास है वो क्या क्या फीचर्स आते हैं. तुम्हारे पास कभी आता है twice of साइन ए इंटू कॉस बी वाला कॉन्सेप्ट आता है, या फिर ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी का कॉन्सेप्ट आता है, या फिर दोनों टाइम्स तुम्हारे पास साइन हो सकता है, ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, या फिर आपके पास और क्या हो सकता है, आपके पास ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी हो सकता है. यही चार फॉर्म्स तो होते हैं, राइट? और ये वाली चीज़ कब अचीव होती है बच्चों? ये वाली चीज़ आपके पास अचीव होती है जब आप कॉस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी को ऐड करते हो, राइट? ठीक है, बहुत ध्यान से देखो अभिषेक और सब लोग जो इस तरह के क्वेश्चंस में बार बार गलतियां कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है, व्हाट इज व्हेन यू व्हाट डू यू गेट व्हेन यू ओपन द फर्स्ट वन, राइट? यहाँ पे व्हाट डू यू गेट साइन ए कॉस बी, राइट? लेट मी राइट इट टू यू. बहुत आराम से आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस वाले टाइप में आप बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, राइट? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि इस पॉइंट को तुम या तो ठीक से समझ नहीं पा रहे हो या फिर तुम उसको ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये इसका ओपन होता है. जब तुम सेकेंड वाले को ओपन करते हो तो सिंपली क्या आता है, माइनस आ जाता है. वैन यू एड बोथ ऑफ देम तो ये प्लस माइनस वाली चीज़ गायब हो जाती है, बचती क्या है, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, दैट इज व्हाट यू गेट, ठीक है? नाउ अब ये हमें कब मिलेगा, जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी पहले करेंगे या फिर साइन ऑफ ए प्लस बी ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट? आप पहले साइन ऑफ ए प्लस बी ले लो और इसमें से आप साइन ऑफ ए माइनस बी को सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है? ऐसा क्या हो जाता है, साइन ऑफ ए माइनस बी में ये वाली चीज़ मेरे पास माइनस होती है ना, तो ये जो पॉजिटिव वाली चीज़ है वो तो कैंसिल हो जाएगी और माइनस का माइनस डबल हो जाएगा, तो क्या आ जाता है आपके पास, ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी, ठीक है? प्लीज़ नोट इट डाउन, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कई बार डिस्कस कर चुके हो, फिर भी मैं एक फाइनल यहाँ पे एक अटेम्प्ट ले रहा हूँ ताकि ये वाली चीज़ तुम्हें बहुत क्लियर समझ में आए. यहाँ पे मैं अभी ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यूज़ होते हैं पहले मैं वो सब डिस्कस करने जा रहा हूँ, एंड देन आई विल टेक अप द क्वेश्चंस दैट यू हैव गिवन मी, ओके? सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट साइन ए साइन बी, सर्टेनली ये वाली चीज़ कहाँ से आती है, ये वाली चीज़ कॉस ऑफ ए माइनस बी से आती है, ठीक है? कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना होता है तुम्हारे पास, आई होप ये भी तुम्हें पता है, बट अगर नहीं पता है तो देखो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की क्लास का पेस थोड़ा स्लो रहेगा, बट ये जो ट्रिगोनोमेट्री वाली चीज़ें हैं ये आज के बाद खत्म हो जानी चाहिए, राइट? इस वीडियो के बाद ट्रिगोनोमेट्री वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए. कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट? कॉस में जहाँ माइनस होता है वहाँ पे यहाँ पे बीच में प्लस आता है, ठीक है? और अगर मेरे पास यहाँ बीच में प्लस की माइनस की जगह पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या जाता आपके पास, माइनस हो जाता. तो ये समझने की बात है, मेरे पास ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी है. अब ये वाली चीज़ अगर मुझे यहाँ पे रेप्लिकेट करनी है तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा. सब्सट्रैक्ट क्या करूँगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट? कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी को मैं सब्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों. सिमिलरली आप इन्हीं दो फॉर्मूले से इस बात को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज़ वॉट, दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी. सो आई होप आपने इसको प्रॉपरली लिख लिया है और अब इस तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए. अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें हिंट देना चाहूँ तो ये अगर जो क्वेश्चन जो आपने दे रखा है यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्म दिख रहा है, टू थर्ड फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेट्स कॉल इट द फर्स्ट फॉर्म, लेट्स कॉल इट द सेकेंड फॉर्म, लेट अस कॉल इट एज द थर्ड फॉर्म एंड द फोर्थ फॉर्म, राइट? तो जनरली कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा आई मीन साइन थीटा कॉस अल्फा या फिर कॉस अल्फा साइन थीटा, राइट? या फिर साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा, कुछ भी अगर ये फॉर्म्स हैं तो दैट इज़ व्हाट यू ऑलवेज वॉन्ट. अब ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज़ द थर्ड फॉर्म, राइट? इसको मैं किस तरीके से लिख सकता था, जैसे ही तुम इसमें ये अप्लाई करते कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट? अब ए माइनस बी आपकी चॉइस है, आप ए किसी को भी ले सकते हो. आपके माइंड में ये चल रहा हुआ है सर ए किसको लें बी किसको लें, तुम किसी को भी ए और बी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाई? बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. अगर कोई चीज़ नेगेटिव भी आ रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ए और बी से फर्क पड़ता है, फर्स्ट और सेकेंड में ए और बी से फर्क पड़ता है,
ये आपको ध्यान रखना है, राइट, दैट मेक्स अ डिफरेंस. व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, जो साइन वाली चीज़ है वही ए है फर्स्ट में, और सेकेंड में जो कॉस वाली चीज़ है वही ए है. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए. यानी तुम इसमें क्या करते, यहाँ पे टू तो है नहीं, टू चाहिए तो क्या करोगे बेटा, टू से मल्टीप्लाई करोगे और टू से डिवाइड करोगे. अब बताओ कितने आसानी से तुम इस बात को कह सकते थे दैट दिस इज कमिंग आउट टू बी कॉस ऑफ ए माइनस बी विच विल बी कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी विच इज कॉस ऑफ फाइव एक्स. क्या इसको इंटीग्रेट करना इज अ प्रॉब्लम फॉर एनी वन अमंग यू? आई डोंट थिंक, राइट. लेकिन फिर भी मैं अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए जरूरी हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ इन द कमिंग 10 मिनट्स. ठीक है, तो ध्यान से आप नोट करते जाएं. अगर आपने लिख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज दैट यू ऑलवेज गो, यू नो, ईदर यू आर कन्फ्यूज और यू आर रॉन्ग, राइट, एंड दैट शुड नॉट हैपन आफ्टर दिस क्लास. ठीक है, ये वाली चीज़ अब रिपीट नहीं होनी चाहिए. मैंने तभी इसकी रिकॉर्डिंग भी ली है ताकि दिस इज परमानेंटली अवेलेबल टू यू, राइट. इसका मैं टॉपिक रख दूंगा ऑल इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज इन कैलकुलस. ठीक है, कुछ भी ऐसा रख दूंगा. ओके, अब और देखो, अब और तुम्हें कौन कौन से फॉर्म्स मिलते हैं, और तुम्हें इस टाइप के फॉर्म्स मिलते हैं, राइट. तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा मिल जाता है कभी कभी, कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाता है कभी, तुम्हारे पास साइन क्यूब थीटा होता है कभी, तुम्हारे पास कॉस क्यूब थीटा होता है, राइट. दैट इज़ व्हाट यू गेट, है ना. ऐसा नहीं है, इसके हायर पार्ट्स भी मिलते हैं, है ना, हायर पार्ट्स भी मिल सकते हैं. जैसे सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पे साइन रेज टू द पावर 4 थीटा है, राइट. तो इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ आती है तो इसके लिए भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ याद करने की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है. जैसे अब ये जब मैं साइन स्क्वायर थीटा देखता हूँ तो मुझे क्या ध्यान आता है कि अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली चीज़ तो मुझे आती है, क्या होता है ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा. यानी साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. आई होप यू रिमेंबर डैट. सिमिलरली 2 कॉस स्क्वायर थीटा कब अचीव होता है, तो 2 लगा देंगे ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, वी कैन डू इट ऑन बोथ द साइड. ये क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 हमने अपनी मर्जी से लगाया था तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये लो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा. समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अगर मैं साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या याद आना चाहिए, यहाँ पे मुझे साइन 3 थीटा याद आना चाहिए और कॉस 3 थीटा याद आना चाहिए. साइन 3 थीटा बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, दिस इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा. सी चिल्ड्रेन, वट एवर बेसिक नॉलेज यू हैव गैदर्ड इन ट्रिगोनोमेट्री इन क्लास 11, दिस इज द टाइम टू यूटिलाइज ऑल दैट. ओके, फ्रॉम हेयर वट कैन यू से अबाउट साइन क्यूब थीटा? साइन क्यूब थीटा को एक तरफ ले आओ, बाकी चीज़ों को एक तरफ लेके आओ, बताओ क्या आ जाएगा. This is coming out to be 3 sin theta minus sin 3 theta divided by what? 4. ठीक है, ये चीज़ कहाँ से निकल के आती है, sin 3 theta से. अब ये देखो ये लीनियर हो गया ना, यू डोंट हैव एनी पार, और जब कोई भी तुम्हारे पास कोई पार नहीं है तो तुम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट. द प्रॉब्लम वॉज वॉट कि हम लोग कभी स्क्वायर है क्यूब है तो उसको इंटीग्रेट करने में परेशानी आती है. ठीक है, हमने उसकी पार को बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से उसको रिप्लेस कर दिया. ठीक है, सिमिलरली cos 3 theta कितना होता है बच्चों, cos 3 theta कितना हो जाता है. अब ये सब तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, राइट. अगर ये ध्यान नहीं रहेगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, सर्टेनली नहीं हो पाएंगे. अब कुछ थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसे ध्यान रखना है, राइट. 4 cos3 theta को मैं क्या लिखूंगा, cos3 theta प्लस 3 cos theta डिवाइडेड बाई 4. तो cos3 theta को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, आई कैन राइट इट एज cos ऑफ 3 theta प्लस 3 cos theta डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ थोड़े मोड़े जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको बार बार जगह जगह पे मिलते ही रहेंगे, मिलते रहते हैं. ठीक है, ये तो अभी तक तुम्हें पता लग चुका है कि हाँ ऐसे फॉर्मूलेज हमें ऐसे कंडीशंस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में कई बार मिल चुकी है. डिफरेंशिएट करते हुए फिर भी कोई परेशानी नहीं आती, बिकॉज किसी भी लेवल की डिफरेंशिएशन है हम वहाँ पे चेन रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, बात बन जाती है. बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है ना, वी डोंट हैव अ चेन रूल हेयर. ऑल्दो वी से दैट यहाँ प्रोडक्ट रूल हम बाई पार्ट्स में लगा लेते हैं, बट ठीक है, राइट. यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है तब तो कर लेते हैं, बट अगर साइन क्यूब थीटा है तो कैसे डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर लेंगे बताओ. वी हैव टू गो फॉर दीज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस. ओके, नाउ इन केस यू गेट साइन की पावर 4 थीटा या फिर कॉस की पावर 4 थीटा, तो इसको तुम कैसे ब्रेक कर सकते हो. देखो तुम इसको लिख सकते हो ना, यू कैन ऑलवेज राइट साइन की पावर 4 थीटा एज साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर. और साइन स्क्वायर थीटा तुमने अभी अभी इसको रियलाइज किया, कितना था ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2. अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे. ठीक है ना बच्चों,
राइट, ये देखो ऊपर वाली चीज़ में ये इरेज कर रहा हूँ एक्सपेक्टिंग कि अब तो तुमने ये लिख ही लिया होगा, ठीक है, और नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, वीडियो आपके लिए अपडेट हो जाएगी। तो अब ये आपके पास साइन जी पार 4 थीटा था, अब इसको क्या करोगे, सिंपल जैसे स्क्वायर को ओपन करते हो वैसे ओपन कर लो, ये वाली 1/4 को बाहर ले जाओ, 1/2 का स्क्वायर बाहर चला गया, यह क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर 2 थीटा एंड माइनस 2ab विच इज कॉस 2 थीटा। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लमेटिक इन दिस, इसको इंटीग्रेट करने में कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, वन नो टेंशन, कॉस 2 थीटा नो टेंशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कैन वी हेल्प इट, यस, कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में हम जानते हैं, 1 + cos θ/2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, इस वाली चीज़ को मैं क्या लिखूंगा, मैं इस वाली चीज़ को लिखने जा रहा हूँ 1 + cos 4θ/2, राइट, डिवाइडेड बाई 2। हालांकि ये अभी ये 4 अंदर जाएगा तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ओवरऑल आप कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4θ थी आपके पास, इसका फाइनल एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, साइन की पावर 4θ का ये देखो, ये तुम्हारे पास 1/4 एज इट इज रखो, ठीक है, ये आ गया 1 और 1 + 1/2 कितना हो गया बच्चों, आई थिंक दैट इज 3/2, ठीक है, ये आपके पास कॉस 4θ/2, इफ यू वॉन्ट यू कैन लीव इट लाइक दैट, और ये वाली जो चीज़ है ये कितनी हो जाएगी, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 cos 2θ, दैट्स ऑल। नाउ दिस इज इजीली इंटीग्रेबल, ठीक है, अब ये फॉर्म क्योंकि लीनियर है इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, जस्ट राइट आई अंडरस्टूड, जस्ट राइट आई यू, राइट, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, डू इट फास्ट। अब इस तरह के क्वेश्चंस में परेशानी नहीं आनी चाहिए, ओके, दीज सर्टेनली थिंग्स, दीज थिंग्स आर सर्टेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एट दिस लेवल, राइट, वी हैव, बिलीव मी, जितने तुमने क्वेश्चंस किए ना, इसके आधे क्वेश्चंस भी जनरली बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे हैं, ओके, तो आई होप अब इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी आपको ट्रिगोनोमेट्री के ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज दिए हैं, राइट, अगर ITF के भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, चलो फिर मौका जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएंगे तो देख लेंगे।